मामला आपकी सेलेक्टर की तरफ से पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप के लिए 17-19 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टीम में कौन कौन से अहम तब्दीलियां की गई हैं, इससे मुतलक आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। मोहम्मद आमर को किन वजूहात की बिना पर टीम में शामिल नहीं किया गया ये भी बताएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। पाकिस्तान टीम के 17-19 स्क्वाड में नंबर 1 फखर जमान, नंबर 2 अमामुल हक, ये दोनों की ओपनिंग जोड़ी होगी। नंबर 3 पर कैप्टन बाबर आजम। नंबर 4 पर बात करते हैं मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर 5 पर इफ्तिखार अहमद, हार्ड हिटर बैट्समैन। नंबर 6 मोहम्मद नवाज, ऑलराउंडर। नंबर 7 शदाब खान, ऑलराउंडर। नंबर 8 पर बात करते हैं फहीम अशरफ की, ये भी ऑलराउंडर हैं। नंबर 9 पर सलमान अली आगा। नंबर 10 शहीन शाह अफरीदी, पेस बॉलर है पाकिस्तान टीम के। नंबर 11 हारिस रऊफ को भी शामिल किया जाएगा। नंबर 12 जमान खान। नंबर 13 इब्रार अहमद, इनकी वापसी हुई है, स्पिन बॉलर है ये। नंबर 14 वसीम जूनियर। नंबर 15 पर अब्दुल्ला शफी को भी टीम में शामिल किया गया है। दो रिजर्व खिलाड़ियों की बात करते हैं तो मोहम्मद हारिस और मोहम्मद तैयब ताहर टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए 27 सितंबर को इंडिया रवाना हो रहा है। इसके अलावा मोहम्मद आमर की बात करें तो मोहम्मद आमर को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि बाबर आजम के साथ इनकी लड़ाई थी।